तो स्वागत है अंदर वीडियो में। तो आज हम लोग टीम करने वाले हैं आरजे। तो यहाँ पे मैं काम करने के लिए मैंने इसी के लिए थोड़ा सा छोटा सा प्रिपेयर किया था ट्रैप, जो कि ज़्यादा छोटा हो जाने की वजह से फेल हो गया मेरा। गेट वगैरह लगा दिया था मैंने इसमें, बट मैंने इसको हवे में ही नॉकआउट कर दिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट थे और साथ ही साथ मैंने टॉक्सिक एरो यूज किया, जो और ही ज़्यादा या सरदार होता है। तो यहाँ पे आरजे लेवल 70 का है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा इक्विपमेंट हो तो आप लोग विदाउट इसे ट्रैप किए ही टेम कर सकते, नॉकआउट कर सकते हो। तो ट्रैप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप वगैरह बिछाया था ताकि अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो इसे ट्रैप करेंगे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा फाइनली हो चुका है नॉकआउट और अब हमारी बारी है इसे टेम करने की। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मीट है जो कि मैं इसकी इन्वेंट्री में दूंगा और फिर देखेंगे कि एक बार में कितना परसेंट जाता है। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी से हम लोग मीट दे देते हैं, फिर देखते हैं कि कितना परसेंट ये जाता है। और फिर मीट देने के बाद हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखना तो है ही हमें एक बार में कितना परसेंट जाता है, फिर उसके बाद हम लोग इसे स्मूथ प्लेन देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बार में 2.8% जा रहा मीट लेने के बाद, और साथ ही साथ ये 5.6% हो गया दो बार में। तो अब बारी है हमें थोड़ा सा स्मूथ ब्लेम खरीदने की और इसे स्मूथ ब्लेम देने की, फिर देखते हैं कि ये स्मूथ ब्लेम लेने के बाद एक बार में कितना परसेंट जाता है। तो हमें थोड़ा देर फिर वेट करना पड़ेगा इसे स्मूथ ब्लेम देने के बाद, फिर देखेंगे हम लोग कि ये एक बार में कितना परसेंट जाता है। तो ये हमारा 47% हो चुका है, पिछली बार 5.6 के आसपास था, और ये एक बार स्मूथ ब्लेम से 47 हो गया और दूसरी बार में 88 हो गया, और ये ऑलमोस्ट टेम होने ही वाला है। तीसरी बार जाते जाते ये पूरी तरीके से टेम हो जाएगा, आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। जब मैंने इसे 15 गुना दिया है फास्ट टेमिंग के लिए, तब भी ये जितना ज़्यादा टाइम लगा रहा, अदरवाइज़ अगर आप लोग बिना इसे स्मूथ ब्लेम दिए टेम करेंगे तो ये कितना टाइम लगाने वाला है, करीब करीब 20 से 25 या 30 मिनट तक भी ले सकता है आप लोगों का। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा और साथ ही साथ नार्को लाना ना भूलिएगा। और ये देखिए कुछ देर के लिए मैं गया और ये हमारा पूरा टेम होकर खड़ा हो गया है, और इसे विदाउट नार्को ना टेम करें, क्योंकि अभी तो अगर आप लोग स्मूथ ब्लेम नहीं यूज करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस ड्रॉप करेगा और आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी नॉर्को की। तो आप लोग पहले प्रिपेयर हो जाइएगा, बट नॉर्को की जगह आप लोग बायोटॉक्सिन यूज करिएगा, जो कि इजीली मिल जाएगा आप लोगों को कहीं पर भी पानी वगैरह में। तो अब हमारी बारी है इसका सैडल देने की, चलिए इसे सैडल दे देते। तो इसका सैडल मिलेगा हमें लेवल 62 पे, और हम लोग इसे इन्वेंटरी में क्राफ्ट कर सकते हैं। और इसे क्राफ्ट करने के लिए हमें चाहिए हाइड, फाइबर और चितिन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हमारा फाइनली ये क्राफ्ट हो चुका है, और साथ ही साथ हमने इसे फ्लाइंग के लिए भी ले लिया एक राउंड पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली जो भी अगली वीडियो आप मिस न करें। और साथ ही साथ तमाम तरह की स्पीच वाली वीडियो और टेमिंग वाली वीडियो और साथ ही साथ कीवल्स की टेमिंग वाली वीडियो, सब की सब वीडियो जितनी भी आए सब मिल जाएगी। केव वाली वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक पार्क भी मिल जाएगी, जितनी सारी वीडियो हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे यूट्यूब पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप कोई भी मिस आउट ना करें और साथ ही साथ जाके मेरे यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो हैं आप लोग चेकआउट कर सकते। और साथ ही साथ बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये मैं इस समय फ़िलहाल में हैक मोड खेल रहा हूँ। हैक मोड मतलब कि सोलो में हैक मोड, अनलिमिटेड डाटा वगैरह, अनलिमिटेड एम्बर, साथ ही साथ अनलिमिटेड एमओ। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी भी वीडियो मेरे यूट्यूब पे आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं।